देखते हैं इसको। एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी एंड एंगल ए इज 60 डिग्री एंड ए बी इज 20 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ साइड बी सी एंड सी ए। चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये आप एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब बी तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट 90 डिग्री हो गया, और ए आपको गिवन है कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। और ए बी भी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, यस और नो, क्योंकि तीनों एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो अब कॉस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है साइड्स का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, सिंपल सी बात है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं कॉस सी लेता हूँ, सी एंगल है ना, कौन सा एंगल लेता हूँ, सी, तो फ्रेंड्स सी के सामने वाला जो साइड होगा ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, इट मींस ये मेरा बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, यस और नो। और आपसे एग्जामिनर ने बी सी अपॉन सी ए ही पूछा है, बी सी अपॉन सी ए, तो कॉस सी डिग्री कितना होगा, बी सी अपॉन सी ए, सो सी डिग्री कितना, 30 डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ए, जो मुझसे फाइंड करने को बोला गया है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, मतलब √3/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ए, सो बी सी अपॉन सी ए आपसे पूछा गया है, सो √3:2, सो ऑप्शन नंबर 4, थैंक यू।